वॉट इज रेस मैथड इन फायर सेफ्टी। तो आज हम बात करने वाले हैं रेस मैथड फायर सेफ्टी के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो रेस एब्रीवेशन एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव फायर सेफ्टी टूल है जिसका यूज हम फायर इमरजेंसी के दौरान क्विकली एक्शन लेने के लिए करते हैं। और ये एक फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल है जो कि स्टैंड करता है आर स्टैंड फॉर रेस्क्यू, ए स्टैंड फॉर अलर्ट, सी स्टैंड फॉर कंटेन, ई स्टैंड फॉर एक्सटिंग्विश और इवैक्यूएट। तो चलिए रेस के सभी लेटर्स को ब्रेक डाउन करके फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और उन लेटर के इम्पॉर्टेंस को समझते हैं। तो आर स्टैंड फॉर रेस्क्यू, ए स्टैंड फॉर अलर्ट, सी स्टैंड फॉर कंटेन और कन्फाइन, ई स्टैंड फॉर एक्सटिंग्विश और इवैक्यूएट। तो जब कभी भी फायर इमरजेंसी ऑकर होती है तो लोग फास्ट और इफेक्टिवली फायर का रिस्पॉन्ड कर सकते हैं रेस प्रोटोकॉल को फॉलो करके। और इसकी हेल्प से, इसकी मदद से फायर इमरजेंसी के दौरान लोगों को शांत और फोकस्ड रहने में काफ़ी मदद मिलती है जिससे वो नेसेसरी प्रिकॉशन लेकर खुद को हार्म होने से और प्रॉपर्टी को डैमेज होने से सेफ रख सकते हैं। तो रेस प्रोटोकॉल को फॉलो करके आप सक्सेसफुली फायर लगे एरिया से इवैक्यूएट कर सकते हैं और पोटेंशियल डैमेजेस को कम कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है जिसमें हर एक लेटर के इम्पॉर्टेंस को डिटेल्ड में मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर करें।